खुशबू बंद कर दे अच्छे से अच्छे से। ऐसे तो और मम्मी को पता चलेगा ये लोग क्या कर रहे हैं टेरेस पे। अरे यार नहीं पता चलेगा। हे गाइस वेलकम बैक, दिस इज अ बॉय अमन, दिस इज अ गर्ल फायर, दिस इज योर गर्ल खुशबू। आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं प्रैंक ऑन मॉम। मतलब इस वीडियो में ना हम लोग मम्मी के ऊपर बहुत ही भयंकर वाला प्रैंक करेंगे, बट बाद है ना मम्मी को बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट भी देंगे। तो मैंने क्या बोला, तो इस वीडियो में ना डबल धमाका है बंद डबल मजा आने वाला है। और खुशबू तुम कुछ बोल रही थी, बोल दो। बोलने वाली तो वही चीज थी जो दीदी ने बोल डाला सबसे पहले मम्मी के ऊपर हम ये कहकर प्रैंक करेंगे कि मम्मी आप मुझे है ना अपना जो गोल्ड का इयररिंग्स है ना वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे उसको सेल करना है, मुझे उसको सोल्ड करना है, ताकि मेरे पास पैसे आ जाए और मेरा जो पुराना लैपटॉप है ना उसको मैं रिप्लेस करके नया लैपटॉप ले लूं। ये है ना हमने सिर्फ प्रैंक करने के लिए बोला है, हम असली में ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हाँ मेरा पुराना वाला लैपटॉप जो है ना वो अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैं एक महीने से ना मम्मी को बोल रहा हूँ कि मम्मी मुझे लैपटॉप लेना है, लैपटॉप लेना है, लैपटॉप लेना है, मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है, खराब हो चुका है। सो मम्मी को ऐसा यकीन हो जाएगा कि हाँ इनको लैपटॉप लेना है, इसलिए ये लोग इयररिंग्स मेरी मांग रहे हैं। और गाइस प्रैंक करने में बहुत ही मुश्किल ही होगा, क्योंकि ना मुझे बहुत ही हंसी आती है। लेकिन तू जब तक मम्मी को गिफ्ट ना मिले तब तक मत बताना, ठीक है? अभी तक तूने ना सब कुछ छुपा के रखा है ना मम्मी से, तो प्लीज अभी भी है ना तू अपने आप को कंट्रोल करना, छुपा के रखना। बट मम्मी इतनी शेड हो जाएगी तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, अरे नहीं। तो तू ये सोच लेना कि मम्मी शेड होगी पर उसके बाद हैप्पी भी होगी। हाँ इस प्रैंक में है ना पापा हमारे साथ हैं, सो पापा के सपोर्ट के बिना तो ये वाला प्रैंक होता ही नहीं। हाँ। लेकिन पापा हमारे साथ है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये वीडियो सिर्फ प्रैंक है, आप लोग अपने मम्मी पापा से मत मांगना कि मुझे अपने गोल्ड की इयररिंग्स दो मुझे बेचना है, ये सब मत करना। ये सब करोगे ना तो फिर आपने के लिए बोला है। हाँ ये सब करोगे ना तो फिर सोच लेना आप लोग के साथ क्या होगा। मम्मी उठो ना, क्या उठो ना है? उठो, पापा से बात किया आपने लैपटॉप का क्या हो रहा है? क्या चीज? लैपटॉप, मैंने बोला था ना लैपटॉप लेना है, घर तेरा साज है, आज ही लेना है। तो आज हम तेरे से नहीं कॉल है, आज है खुशबू, आज है ना? हाँ आज है मम्मी, आज है। पैसा नहीं मिला है पापा। तुम बोल के ना बोलो तो अच्छी बात नहीं है ना, आपने बोला था कि घर के उसको लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, एक महीने में क्या हो जा रहा है, तो हमने एक महीना वेट तो किया था। हम कहाँ से लेके आए? लैपटॉप तो चाहिए मम्मी, मेरा लैपटॉप आप देख लेना कैसा हो चुका है। हाँ एक बार खरीदा चाहिए तो हम भी इसमें अपना काम कर सकते हैं। तो फिर इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना था तो कितने जगह हम लोग घूम रहे थे, मम्मी चाहिए लैपटॉप और रिपेयरिंग करा नहीं हो रहा ना, हमने पुराने वाले को पूछ लिया रिपेयरिंग का, वो बोल रहे हैं कि 9 से 10 हजार रुपए लगेंगे, तो इससे 26 हजार 25 हजार मिला के नया ना ले ले, वैसे भी हमको काम है, मुझे पायल को पापा को पैसा नहीं मिला है। पापा को पैसा, कब से ऐसे ही बोल रही है, पापा को पैसा नहीं मिला था, कहाँ से लेकर कुछ तो करो, मुझे चाहिए पाय, तुझे नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, बोलना पर बताओ क्या करो। क्या मैं नहीं जानता, आप मुझे मतलब आपने बोला था कि आप मुझे कहीं से ला के दोगे धनतेरस को, मैं देख के भी आया, मुझे अच्छा पसंद आ चुका है, वो सिर्फ मैं 10 हजार दे रहा हूँ और बाकी के पैसे आप लोग ने बोला था ना कि देंगे, तो आप लोग दो ना भैया, रिपेयर भी करा सकते हैं। तू नहीं बोला था नया लेने का कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, और रिपेयर भी हो रहा है तो 9-10 हजार रुपया मांग रहे हैं, और वो बहुत ही पुराना भी हो गया था, 2015 में लिया था, और मेरे सारे दोस्त का ना सारा लैपटॉप जो है ना वो न्यू है, वो लोग लेकर आते तो फिर मुझे भी अजीब लगता ना, मुझे भी नया चाहिए ना, मुझे भी अपग्रेड करना पड़ेगा ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा मतलब वो हमेशा सहता ही रहूं, पुरानी चीजें लेके जाऊं, लोग मजाक उड़ाए, मुझे चाहिए नया। नहीं देखती हूँ पापा आते हैं, पापा आते की बात नहीं है, पापा ने जो एनिवर्सरी पे दिया था ना क्या इयर रिंग्स, वो गिरवी रख के या फिर बेच दो, मुझे खरीद के दो, मुझे चाहिए।
चलो ऐसे मुंह बना के मत करो। नहीं मुंह नहीं बनाती। चलो चाहिए तो दे देती। मम्मी पण आपने बोला था धनतेरस को आप मुझे दे दोगी, पण आपने दिया नहीं तो मैं क्या करूं। बोली थी तो पापा को भी पैसा नहीं मिलाएगा लेने के लिए। तो अभी तो आज धनतेरस है, फिर कल से तो दुकान बंद हो जाएगी। 7 बजे से निकले पापा, अभी तक आए नहीं। मैं क्या करूं, नहीं मुझे तो चाहिए ना मम्मी। तो फिर इयररिंग का कुछ करो, इयररिंग दे दो मुझे, वो बेच देता हूँ। भैया ये गलत बात है, इयररिंग के बारे में आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं क्या करूं बता, मम्मी के पास कोई ऑप्शन है? जो मतलब हार था वो भी हम लोग के लिए मम्मी ने बेच दिया, हम लोग की पढ़ाई करने के लिए। तो मैं क्या करूँ, अभी एक इयर रिंग्स बचा है तो इयर रिंग्स बेच देते हैं, और क्या करें। और थोड़ा ना वेट कर सकेगा। कितना वेट करें? चलो ले। हाँ ना अपन ये अच्छा नहीं के लगा था मैं के इयर रिंग्स बेच के फिर अपन एगो लैपटॉप ल। तो मैं क्या करूँ, इयर रिंग्स ना बेचू तो क्या करूँ? तो दो तीन दिन और ही तो वेट कर सकती हूँ। पर वेट ही तो नहीं करना, मुझे अपना दिवाली होमवर्क भी तो करना है ना, वो मुझे सबमिट भी करना है ना सारी चीजें, तो मैं तब तक वेट करूँ? चलो ले लो। आप ऐसा रोने जैसे हो गए, मैं कैसे बेच दूँ? तो कोई भी हो जाएगा उसका नहीं, जाओ आप अच्छे से खुशी मन से तो कब लूंगा मैं। चल मम्मी अभी दे दो, फिर बाद में जब बड़े होंगे तो दे देंगे ना। ठीक है चलो, मैं दुखी देखना चाहती हूँ। वो तो सब मुंह पे देखा था। वो दिख रहा है आप रोने जैसे हो गए हो। नहीं 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 सच्ची ले लो। हाँ तो जा लेंगे, फिर पापा आएंगे ना तो जाके गिरवी रख देंगे या फिर बेच देंगे, क्या करें। मुझे 25,000 की जरूरत है मम्मी, 10,000 तो मेरे पास है। तू मम्मी को तो मना लेगा, पापा का क्या करेगा? पापा ना ही बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, देख ले। ना ही बोलेंगे पापा, ठीक है। वो तो मम्मी की गिफ्ट है ना, मम्मी बेचना चाहे मम्मी गिरवी रखना चाहे तो चलेगा ना। मैं दिया तो पापा ने है ना। बोल दे रही हो? चलो देखे। पक्का? पक्का। एक बार रोगी तो नहीं ना? नहीं रोगी। एक बार लग रहा है रोगी। नहीं रोगी। रोगी भैया। नहीं रोगी। क्या सोच लो, पर मेरे को होमवर्क करना है ना मेरा, वो जरूरी है। ठीक बात। लैपटॉप चालू बंद हो जा रहा है बीच में, और जब चालू कर रहा तो फिर से स्टार्ट, मतलब कुछ सारा चीज उड़ जा रहा है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, फोन में भी तो हो सकता है ना। नहीं हो रहा ना फोन में, नहीं हो रहा मेरे, तुम लोग तो देते नहीं हो अपना फोन। अरे भाई देखो मैं दे देती हूँ, तुम लोग पढ़ लेगा तुम बड़े आदमी हो जाओगे, कमाओगे, बहुत सारा पैसा लेकर आओगे, तो हमको खरीद दे देना। चलो सो गाइस मम्मी है ना सच्ची में ज्वेलरी निकालने चली गई है। मतलब मम्मी जब जा रही थी ना तब तो मुझे इतना हंसी आ रहा था ना, इतना हंसी आ रहा था ना। पर मम्मी के एक्सप्रेशंस देख के मुझे रोना आ रहा था, सच्ची मम्मी इमोशनल हो गई। हाँ मैं यहाँ पे बैठ के है ना छुपके से वीडियो मतलब निकाल रही थी, तो है ना मतलब मम्मी को मेरे को ऐसा हो रहा था कि मम्मी को जाके बता दो कि मम्मी आपके साथ प्रैंक हो रहा है। लेकिन नहीं गाइस, मम्मी को अभी हमने थोड़ा सा परेशान किया है, लेकिन मम्मी को जब गिफ्ट मिलेगा ना तो मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी आ ही रही है, अभी बंद कर वीडियो बंद। एनिवर्सरी वाला ही मम्मी, रोना तो नहीं आना ना? नहीं नहीं रहूंगी। पक्का? मम्मी ऐसा दूसरा ला देंगे मम्मी, अभी जरूरत है मम्मी। ले जाओ। पक्का? रोगे तो नहीं ना? अभी रोना आ रहा है, देखो रोना आ रहा है, फिर भी बोल रही हो नहीं रोऊंगी। नहीं रोती हूँ। पाल रो रही है ना? रो रही है ना? नहीं रो रही हूँ। रो रही हो मम्मी? रो रही है आप? हंस रहे हो? देखो रो रही हो आप, मुझे पता है। नहीं रो रही, देख नहीं रो रही, क्या रोती? रो रही हो? नहीं रो रही। रो रही सच्ची जाना ले पापा ले जा, तू काम हो ऐसा नहीं करता रहती रुई। सो गाइस मम्मी ने ना हमें ये वाली इयररिंग्स जो है वो दे दी है। पायल तूने तो बहुत ही अच्छा सा है ना मतलब साथ दिया मेरा, तू मेरे अगेंस्ट बोल रही थी तो मम्मी को और विश्वास हो रहा था कि हाँ ये लोग रियली ये प्रैंक नहीं कर रहे हैं। हाँ क्योंकि है ना भैया ने मुझे बोला था कि मतलब ऐसा ऐसा प्रैंक करना है, तो मैंने सोचा कि अगर हम सबको एक ही साथ मतलब ये बोलेंगे कि हमें लैपटॉप लेना है तो मम्मी को शौक हो जाएगा। हाँ इसीलिए मैंने ऐसा किया। तू बड़ी समझदार है। पायल ये ना तू संभाल के रखना, खोना मत, ठीक है? ठीक है मम्मी।
ठीक है हम लोग जा रहे हैं लैपटॉप लाने, ठीक है? जाओ। कौन सा कलर का लाऊं, ब्लैक की ग्रे? ग्रे कलर के लिए। ठीक है। मम्मी पूरे फुल मूड में रोने का, लेकिन रो नहीं रही है। क्यों रो? कि लोग क्या कहेंगे ना। खुशी में खुशी है। अच्छा आयल, संभाल के रखना वरना कोई भी पर्स लेके भागेगा ना तो उसका बहुत ही मजा आएगा। हाँ, ऐसे करके और इसको ऐसे करके रखूंगी। फिर तो और लोगों को है ना वो होगा कि इसमें कुछ तो है। ऐसे करने का लो, ले जाओ ले जाओ। बाय बाय मम्मी, बाय। आयल ऐसा डिजाइन पसंद किया ना, ऐसा पसंद किया है ना, तू देखेगी ना तो तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। देखने को ही तो नहीं मिल रहा, कब से बेटी कर रहे हैं। बहुत लोग हैं तो क्या करें। हाँ, क्योंकि आज धनतेरस है ना, इसलिए बहुत लोग आए हैं। काम के लिए बुलाया है तो उसके लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंखें बंद करो। हाँ, और वो काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ मम्मी, प्लीज चीटिंग मत करना, ठीक है? आंखें बंद करो। जब तक हम नहीं बोलेंगे ना तब तक खोलना मत, ठीक है? तो अपना हाथ जो है वो आगे रखो। हाँ। आगे रखो ना अपना हाथ। दे दे पायल, दे 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 दे। ये लो मम्मी आपके लिए। धनतेरस का केक। यस। देखो क्या है इधर से। मम्मी छोटा सा लैपटॉप लग रहा है मुझे। क्या है मम्मी? क्या है मम्मी? क्या है मम्मी? इसमें रोने वाली क्या बात है मम्मी? खुशबू खुशबू खुशबू, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे ये दुख के अजनबी कुछ क्या तो। दिखा दिखा मम्मी को, दिखा। देख लो। मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मम्मी रोने लगी। सो गाइस, कुछ समय पहले मम्मी ने हमारे लिए अपना जो मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव सा नेकलेस जो था वो बेच दिया था, जस्ट बिकॉज मेरा और पायल का पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अभी इस उम्र में मैंने मम्मी का जो सपना है वो पूरा कर दिया है। मम्मी का जो चीज चला गया था वो वापस ला दिया है, और वो चीज ला दिया ना मैंने, तो मुझे बड़ी बहुत ही खुशी हो रही है। हाँ, मतलब इस चीज को लाने के लिए हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। हाँ, और ये मम्मी को हमने पक्का वाला सरप्राइज दिया। मम्मी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने इसीलिए मम्मी को प्रैंक भी किया था, और मम्मी हो भी गई थी प्रैंक। मम्मी आपका वो कार्ड में का है ना, इधर है, इधर है। देखो लैपटॉप खरीद लेना चाहिए ना। नहीं, हम तो ऐसी जरूरत ही नहीं है ना। हम तो ऐसे ही आपको मजाक में बोल रहे थे कि हम लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, बट पापा को भी ये बात पता था कि मतलब हम ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं। क्योंकि आपको सरप्राइज दे रहा था इसीलिए झूठ बोला। अगर हमको बता देते तो सरप्राइज क्या रहता। ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत ही बड़ा हो चुका हूँ, 40 साल का हो चुका हूँ। बेटा तो अभी छोटा ही है, ठीक है? इस उम्र में भी मैंने मम्मी का विश पूरा कर दिया। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी तो हाथ में मिलते ही रो गई। लक्ष्मी माता जी की जय। जी की जय। आपको इसकी डिजाइन कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? मेरा पसंद, मतलब क्या अच्छा लगा इसके बारे में? ये मेरे को डिजाइन अच्छा लगा। उसी के लिए हमने लिया है। सो मम्मी पहन कर फटाफट बता, दिख रहा है आप पे ये देखे ना? नहीं, मेरे देखो गाइस, जब नहीं था मम्मी के पास तब रो रो के बोलती थी काश मेरे पास होता, काश मैंने नहीं दिया होता। अब आ चुका है तो नहीं पहनना। नहीं पहनना। नहीं नहीं पहनो ना, आपका ही ये पहन लो, पहन लो। पायल वो क्लिप देना, ये बाल में पहना। ये रहा मेरे बालों में से, मैंने निकाल लिया था पहले ही। मम्मी कैसे पहना? ऐसे ऐसे पहनना है? ऐसे भैया थोड़ा ऊपर, ऐसे थोड़ा ऊपर, और बस, बस। चलेगा।
सही लग रहा है? हाँ, वाह वाह मम्मी वाह, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। हमारी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है बस आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हो रहा है। सो ऐसे ही सपोर्ट है ना, बनाए रखना। सो होप करता हूँ गाइज आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे सारा नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।